हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो आज हम आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू करती हूँ मैं, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट। ये नाइन्थ क्लास का सिक्स्थ चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारी डेमोक्रेसी में क्या क्या चीजें हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, ये सब काफी चीजें हम पढ़ चुके। अब डेमोक्रेसी में तो ये चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए डेमोक्रेसी में क्या है, हमें डेमोक्रेसी क्या देती है? तो बच्चों, हमारे लिए डेमोक्रेसी में है राइट्स। तो ये राइट्स क्या हैं, क्या अधिकार हैं हमारे पास? ये इन्हीं अधिकारों की चर्चा, इन्हीं राइट्स की चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। अगर हम देखें, एक साइड में अगर हम डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, इंस्टीट्यूशन और इनके काम, ये सब रख देते हैं, ये सब तो हमारी डेमोक्रेसी के पार्ट हैं। डेमोक्रेसी है ये, इन सबको मिलाकर के डेमोक्रेसी बनता है। और अगर इसकी दूसरी साइड में हम रखें, तो उसके दूसरे साइड में आ जाते हैं हमारे राइट्स, सिटीजन और देयर राइट्स, यानी सिटीजन और सिटीजन के राइट्स, ये सारे इसमें आते हैं। ट्रू डेमोक्रेसी क्या है? ट्रू डेमोक्रेसी अगर हम कहें तो ट्रू डेमोक्रेसी इज इक्वल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो कि हर इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करे, यानी हमारी गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी इंसान के, हर एक इंसान के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अब हम देखते हैं हम इस चैप्टर में मेन मेन क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ गुआंतानामो बे, सऊदी अरेबिया और कोसोवो। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक छोटी छोटी केस स्टडी पढ़ेंगे गुआंतानामो बे की और सऊदी अरेबिया की और कोसोवो की। इन तीनों देशों की हम स्टोरी पढ़ने के बाद में हमें क्लियर हो जाएगा कि राइट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राइट्स हमारे कौन कौन से हैं, उनके मीनिंग क्या हैं और उनकी जरूरत क्यों है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और लास्ट में पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड स्पेस ऑफ राइट्स। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि स्टार्ट होता है प्रिजन इन गुआंतानामो बे। अब गुआंतानामो बे की हम स्टोरी पढ़ते हैं कि गुआंतानामो बे में हुआ क्या था। अब आपको लग रहा होगा कि हमें कहां मैडम डेमोक्रेटिक राइट्स पढ़ा रही थी, कहां डेमोक्रेटिक राइट्स छोड़कर भी गुआंतानामो बे में चली गई, हमें इसकी क्यों जरूरत है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हुआ था वहां पे। तो इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम वहां की स्टोरी पढ़ते हैं और फिर उसको, उस स्टोरी को हम लिंक करेंगे अपने आज के चैप्टर से। देखो क्या स्टोरी है, प्रिजन ऑफ अ गुआंतानामो बे, गुआंतानामो के लोगों के साथ क्या हुआ था। About 600 people secretly picked up by the US force from all over the world were kept in a prison Guantanamo Bay. Why? US की फोर्स ने, यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्स ने पूरे वर्ल्ड से 600 लोगों को पकड़ करके गुआंतानामो बे के जेल में डाल दिया। स्टार्टिंग कहां से हुई कि यूएस की सरकार ने, यूनाइटेड स्टेट की सरकार ने पूरे वर्ल्ड से 600 लोगों को पकड़ करके गुआंतानामो बे की जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया भाई, ऐसे कोई किसी को पकड़ के डाल देगा। आगे बढ़ते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ यूएस गवर्नमेंट वॉज दैट दे वर एनिमीज ऑफ यूएस एंड लिंक टू द अटैक ऑफ न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2001। यूएस का कहना था, यूनाइटेड स्टेट्स का कहना था कि ये जो 600 आदमी उन्होंने पकड़े हैं, इनका लिंक है टेरर अटैक में जो कि न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 में हुआ था। 11 सितंबर 2001 में जो यूएस में टेरर अटैक हुआ था, आतंकी अटैक हुआ था, आक्रमण हुआ था, वो कहीं ना कहीं इन 600 लोगों का उस आक्रमण में हाथ है। इस बेसिस पे उसने 600 आदमियों को उठा करके जेल में डाल दिया। अरेस्ट वॉज विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन और नोटिस, देयर फैमिलीज ऑल्सो डिड नॉट नो अबाउट दिट। अब इन लोगों को जो अरेस्ट किया था यूएस गवर्नमेंट ने इनको बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अरेस्ट किया था और इवन इनकी फैमिलीज को भी नहीं पता था कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है। नो वन वॉज अलॉटेड टू मीट द प्रिजनर्स, देयर वॉज नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट।
किसी को परमिशन नहीं थी, ये जो 600 आदमी इन्होंने अरेस्ट किए थे इनको ये भी परमिशन नहीं थी कि ये किसी से मिल सके या अपने बचाव के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो, या मजिस्ट्रेट के आगे इनको पेश भी नहीं किया गया था। दिस वॉज अ क्लियर ऑफ इनफ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इन चीजों से, इस एग्जाम्पल से आपको पता लग गया कि ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। मतलब आप किसी को बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना उसकी उसका जो जुर्म है उसको जब तक वो सामने नहीं आता है, जब तक आप उसको डिक्लेयर नहीं कर देते हो, तब तक आप उसको पकड़ के ऐसे ही किसी को बंद नहीं कर सकते। ये जो उसके राइट थे, जो उन 600 लोगों के राइट थे, उसको उसका उल्लंघन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब इसके खिलाफ क्या हुआ था? अब ये तो यूएस ने कर दिया था, अब क्या हुआ था? एक एनजीओ थी एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो थी उसने इस इशू को उठाया था और पूरे वर्ल्ड में इसको हाईलाइट किया था, लोगों के सामने ये इशू रखा था। उसके बाद क्या था, यूएन सिक्योरिटी जनरल ने कहा था कि इनको प्रिजंस को छोड़ दिया जाए, प्रिजंस को छोड़ दिया जाए 600 लोग जो थे। यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्ली, और यूएस गवर्नमेंट जो थी उसने इस प्ली को रिफ्यूज कर दिया। यानी कि जो यूएन की सेक्रेटरी थी उन्होंने कहा था कि इन 600 लोगों को आजाद कर दिया जाए, लेकिन यूएस की गवर्नमेंट ने जो थी उसने इसको मना कर दिया था कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों ये तो थी स्टोरी वियतनाम उबे की, ठीक है। अब इस स्टोरी से देखो, अभी हम चैप्टर शुरू करेंगे, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स आएंगे तब हम देखेंगे कि कैसे इस स्टोरी से हम उसको कनेक्ट करते हैं। ये मैंने एक केस स्टडी आपको बताया था वियतनाम उबे का। अब हम चलते हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्या हुआ था, ध्यान से सुनना बच्चों, समझना इस चीज को और कोशिश करो कि आप अपनी बुक लेकर के बैठो। आपकी बुक अगर आपके सामने होगी, आप जो मैं आपको समझा रही हूँ वो बुक में साथ के साथ आप रीडिंग करते रहोगे तो आपके समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा और आप इसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। और अगर एग्जाम में इस टाइप का आता है कोई क्वेश्चन तो उसको आप बहुत अच्छे से ब्रॉडली लिख सकते हो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरेबिया सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के सिटीजन्स की राइट के उसमें क्या हुआ था। केस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पोजीशन ऑफ द सिटीजन वाज रिगार्ड टू देयर गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो थी, यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया की जो केस है इसमें क्या है, इसमें यहाँ की गवर्नमेंट का हाथ है। यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है सिटीजन्स की जो वो था, सिटीजन्स की जो राइट थे उसको उसने थोड़ा उसका क्या था, रूल ऑफ हेरिडिटी किंग, पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर गवर्नमेंट। सऊदी अरेबिया में क्या था, सऊदी अरेबिया में जो किंग होता था, राजा होता था, राजा क्या वहां पे उसको शेख कहते थे, जो वहां का राजा होता था उसको शेख कहते थे। और ये शेख जो थे ये हेरिडिटी होते थे, हेरिडिटी मतलब कि जैसे किसी के किसी का दादा शेख है तो उसी का बेटा, उसी का बेटा, उसी का बेटा, ऐसे ऐसे करके वहां पे ये राजा प्रथा चलती थी। अब वहां के लोगों को जो था इलेक्टिंग का कोई अधिकार नहीं था, उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं था, उनको वहां के रूल चेंज करने का अधिकार नहीं था। मतलब कि जो शेख ने रूल बना दिए, जो शेख ने नियम कानून बना दिए, वही नियम कानून वहां पे चलते थे। वहां के लोगों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था कि वो अपने रूलर को चुने या वो किसी प्रकार के नियम कानूनों को बनाए। किंग सेलेक्ट द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो राजा होता था, जो शेख होता था, वही वहां पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सबको वही अपॉइंट करता था, वही चुनता था। सिटीजन कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड मीडिया एंड ऑल्सो नॉट फ्री। जो वहां पे सिटीजन थे, लोग थे, उनको पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी अधिकार नहीं था और जो वहां की मीडिया थी वो भी फ्री नहीं थी। मीडिया भी वही चीजें दिखाती थी जो कि राजा उनको कहता था। नो सिटीजन ऑफ रिलीजन, यानी कि वहां पे लोगों का कोई भी धर्म नहीं था, वहां पे एक ही धर्म था, इस्लाम धर्म, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है और वो इस्लाम धर्म को ही मानते थे और इस्लाम ही उनका धर्म था। अगर इस्लाम के अलावा कोई वहां पे लोग किसी दूसरे धर्म को फॉलो करता था तो वो पर्सनली अपने घर में रह करके उसकी पूजा पाठ करता था, मतलब पब्लिक सार्वजनिक जगह पे वो उसको नहीं फॉलो कर सकता था। कंडीशन ऑफ वुमेन इज वर्स्ट, जो वुमेन की कंडीशन थी वो तो बहुत ज्यादा खत्म थी, बहुत दयनीय थी। वैसे भी आप देखते हो मुस्लिम में वुमेन की अब बुर्का पहन रखा है, घर से नहीं निकलना है, काफी उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा वहां पे दयनीय थी।
सब्जेक्ट टू मैनी रिस्ट्रिक्शन, वुमेन्स के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, वुमेन्स को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, वुमेन्स को घर में रहना पड़ता था, वुमेन्स को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, बहुत मतलब वुमेन्स के ऊपर बहुत ज्यादा वहां पे अत्याचार होते थे। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू वुमेन, जो वहां पे अधिकार जो मिले थे वो एक आदमी का अधिकार जो था वो दो वुमेन के बराबर था, यानी कि दो औरतों को जितने अधिकार मिले थे उतने अधिकार एक आदमी को मिले थे। तो बच्चों ये देखो कि सऊदी अरेबिया में जो था, सऊदी अरेबिया की स्टोरी में लोगों के पास अधिकार नहीं थे, लोगों में बहुत मतभेद था, लोगों के पास, उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते क्योंकि वहां पे क्या था, वहां पे हेरिडिटरी किंग था, सब कुछ वही करता था, लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं था। अब हम एक और छोटी सी केस स्टडी पढ़ते हैं, एथनिक मैसेकर इन कोसोवो, कोसोवो की स्टोरी पढ़ते हैं। कोसोवो में एक एथनिक मैसेकर था, ये एक नस्ल का नाम होता है, जो वहां की एक नस्ल थी उसका नाम था एथनिक जो थी वहां की एक नस्ल थी, उन्होंने क्या किया था, कोसोवो वॉज प्रोविनेंस ऑफ युगोस्लाविया, युगोस्लाविया का एक राज्य है कोसोवो। द पॉपुलेशन कम्पोजिशन ऑफ प्रोविंस वॉज मेजोरिटी एल्बेनियंस, जो कोसोवो की प्रोविंस में जो मेजोरिटी है, यानी कि कोसोवो में जो मेजोरिटी है, कोसोवो की जो राज्य उसमें मेजोरिटी है वो किसकी है, एल्बेनियंस की है। बट इन कंट्री सर्ब्स वर इन मेजोरिटी, लेकिन उस पूरी कंट्री में इसकी मेजोरिटी है, सर्ब्स की मेजोरिटी है, यानी कि कोसोवो के प्रोविंस में तो है अल्बेनियन की मेजोरिटी, लेकिन पूरे देश में किसकी मेजोरिटी है, सर्ब्स की मेजोरिटी है। अब देखो क्या होता है, नेरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट लीडर मिसोलविक वन द इलेक्शन। अब सर्ब्स का जो लीडर था वो कौन था, मिलोसेविक जो था वो सर्ब्स का लीडर था और वो इलेक्शन में जीत गया। वो एक नैरो माइंडेड था, मतलब छोटी सोच वाला था, वो लीडर था, वो जीत गया। अब क्या हुआ, हॉस्टाइल टुवर्ड्स अल्बेनियन ऑफ कोसोवो, उसने क्या किया, जो ये जीता था मिलोसेविक जो जीता था, किस ग्रुप का था, एथनिक ग्रुप का था, ये था सर्ब्स, ठीक है। अब ये एल्बेनियंस थे वो कौन थे, वो इसके दुश्मन हो गए, यानी कि वो इनको दुश्मन समझने लगा। अब देखो बच्चों सिंपल से समझो, वहां पे दो ग्रुप थे, एक अल्बेनियन का था और एक सर्ब्स का था। अब अल्बेनियन की तो सरकार बन, अल्बेनियन जो था वो उसकी सॉरी सर्ब्स की तो सरकार बन गई। अब सर्ब की सरकार बन गई तो वो अल्बेनियन को क्या समझने लगा, दुश्मन समझने लगा। They had a few point that Albanian should either leave the country or accept the dominance of Serb. अब वो जो था वो क्या कहता था कि जो Albanians हैं वो या तो Serb के views को मान लें, या तो वो Serbs बन जाएं, या फिर वो country को अपने आप ही छोड़ दें। एथनिक मैसेकर इन कोसोवो, अब कोसोवो में क्या हुआ, स्टोरी ऑफ एन अल्बेनियन फैमिली इन अ टाउन इन कोसोवो, देयर वाज अ मैसेकर ऑफ अल्बेनियन कैरिड आउट बाय द आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री, ऑल दिस वाज हैपन अंडर द लीडरशिप ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर। देखो क्या हुआ, कोसोवो में अल्बेनियंस जो थे, अल्बेनियंस की जो फैमिली थी उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए, उनको मारा गया, पीटा गया, भगाया गया, मतलब बहुत से लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, और ये सब किसके अंडर में हुआ, एक डेमोक्रेटिक लीडर के अंडर में, जिसको वहां की जनता ने चुना, जो कि एक डेमोक्रेसी थी, वहां पे डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेटिक लीडर था, डेमोक्रेटिक रूप से इलेक्ट हुआ था लीडर, उस लीडर के लीडरशिप में ये सब हुआ था। तो बच्चों देखो, जहां पे ऐसा होगा वहां पे लीडरशिप नहीं होगी। देखो फर्स्ट स्टोरी आपने पढ़ी थी किसकी, गुइतामोबे की। गुइतामोबे में क्या हुआ था कि पूरे वर्ल्ड से लोगों को इकट्ठा करके एक जगह बंदी बना लिया था। दूसरी आपने पढ़ी थी स्टोरी सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया में क्या था, डिक्टेटरशिप थी, हेरिडिटी किंग था, लेकिन उसने भी राइट्स जो थे वो नहीं दिए थे। तीसरी स्टोरी आपने पढ़ी कोसोवो की, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूप से वो चुना गया लीडर, लेकिन फिर भी उसने लोगों के राइट्स जो थे वो छीन लिए थे। अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। What lesson do we get from all this? इन तीनों से आप क्या समझते हो? Infringement of right can happen anywhere and by anyone. जो rights होते हैं उनका उल्लंघन कोई भी कहीं भी कैसे भी कर सकता है,
बिल्कुल कर सकता है. केस इन वियतनामो बे, सऊदी अरेबिया एंड कोसोवो. ऑल दीज एग्जाम्पल आर शो दैट इन एनी केस फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड बाय एनीवन. यानी ये तीन स्टोरी से आपको ये पता लगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहीं भी किसी के द्वारा जो है वो इनका उल्लंघन किया जा सकता है, इनको वायलेट किया जा सकता है. चलो बच्चों, अब इन तीनों जो कहानी है, ये तीनों जो केस स्टडी, अब इसको हम अपने उससे कनेक्ट करते हैं. अब हम पढ़ते हैं राइट्स इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में राइट जो है, डेमोक्रेसी में राइट क्यों होते हैं, रिलेशन ऑफ राइट एंड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी और राइट, राइट और डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन है. देखो, अगर डेमोक्रेसी है तो राइट्स होने बहुत जरूरी हैं, और राइट्स है तो अगर राइट्स है, लोगों को पूरी तरह से आजादी है, लोगों को सारे अधिकार दिए हुए हैं, तो वहां पे डेफिनेटली डेमोक्रेसी होगी. इंश्योरेंस नॉट ओनली ऑन पेपर बट इन रियलिटी. अब ये जो इंश्योरेंस है भाई, आपको अधिकार मिल गए, ठीक है, आपको अधिकार मिल गए, वो अधिकार जो है वो इंश्योर एक पेपर तक नहीं होने चाहिए कि कागज में मैंने लिख दिया कि आपको ये अधिकार मिल गए, वो रियलिटी में भी होने चाहिए. रियलिटी में कैसे होंगे, वेयर एटलीस्ट अ मिनिमम इन गारंटी टू एवरीवन. मतलब लोगों को जो छोटा छोटा आदमी है, मतलब जो गरीब तबके का आदमी है, जो मिनिमम लोग हैं, जो भाई जो हाई सोसाइटी वाला आदमी है उसको तो पता है वो कुछ भी करेगा उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो एक गरीब आदमी है, गरीब मजदूर है, उसके पास भी वो उसको भी गारंटी होनी चाहिए कि हाँ ये मेरा अधिकार है. देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत रिच आदमी है, बहुत करोड़पति अरबपति है, उसने मर्डर किया, तो मर्डर करने की सजा क्या है, फांसी, तो उसको भी फांसी होगी. और एक अगर लेबर है, मजदूर है, भिखारी है, और वो जाकर के अगर मर्डर करता है तो उसको भी फांसी ही होगी. कहने का ये मतलब है कि दोनों कंडीशन में ये नहीं देखा जाएगा कि वो रिच है, उसके पास पैसा है, तो उसको छोड़ देगी सरकार. तो इसलिए ये जो है, ये जो राइट्स होते हैं, ये मिनिमम की भी गारंटीड होने चाहिए. और ये बेसिक राइट जो है, बेसिक स्पिरिट ऑफ राइट, और ये ही चीज जो है, ये राइट की बेसिक स्पिरिट है, यानी कि राइट जो है उसका बेसिक स्पिरिट, इसे ही हम कहेंगे. हाउ कैन वी डिफाइन इट. अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, राइट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट आर राइट्स, राइट्स क्या है. देखो, इसकी डेफिनेशन मैं आपको सिंपल एक लाइन में समझाती हूँ, समझाती भी हूँ, और इसकी डेफिनेशन आप समझ जाओगे तो आपको आराम से आप लिख भी सकते हो, इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, और इसकी डेफिनेशन जो है वो ज्यादातर एक नंबर में तो आती ही आती है. बच्चों देखो क्या है, राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स. देखो ध्यान से सुनना, राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स, यानी कि राइट्स जो है वो रीजनेबल क्लेम्स हैं. रीजनेबल मतलब कि ऐसे क्लेम्स हैं जो कि रीजनेबल हो, यानी कि जो आपके लिए जरूरी हो. अब भाई अगर मैं कह दूं कि मेरे को राइट है, मेरा राइट है राइट टू फ्रीडम, और मैं कहीं भी कैसे भी कहीं भी घूम सकती हूँ, है बिना टिकट के ट्रेन में बैठ सकती हूँ, क्यों भाई, मेरा राइट है, मुझे क्यों पकड़ेगा टीटी, मेरा तो राइट है कहीं भी मैं घूम सकती हूँ. नहीं बच्चों, वो एक रीजनेबल क्लेम है कि आपको टिकट लेकर के ही ट्रेन में बैठना है, ठीक है ना. तो रीजनेबल क्लेम्स हैं ऑफ अ पर्सन, एक आदमी के, एक पर्सन के, रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, जिनको सोसाइटी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि सोसाइटी ने बोल रखा है कि हाँ ये एक रीजनेबल लॉ है. जैसे कि मान लो मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, अब मैं रात के 2 बजे छत में जाकर के लाउड स्पीकर लगा के म्यूजिक बजाने लगूं, म्यूजिक गाने लगूं, तो ये सोसाइटी इसको सेंक्शन नहीं करेगी. क्यों भाई, भाई तुम्हें नहीं नींद आ रही, तुम्हें म्यूजिक पसंद है तो तुम घर में बैठ के सुनो, तुम वहां जाके लोगों को थोड़ी ना डिस्टर्ब करोगे. तो इसलिए सैंक्शन, ये जो लॉज होते हैं ये सैंक्शन होते हैं सोसाइटी के, सोसाइटी इनको सैंक्शन करती है कि हाँ भाई ये रीजनेबल लॉ है एंड सैंक्शन बाय लॉ. सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किए और सैंक्शन किसने किए, लॉ ने, यानी कि लॉ ने, कानून ने, इस कानून बन गया. तो क्या होगा कि अगर कोई किसी के राइट को वायलेट करेगा तो क्या होगा, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. भाई मुझे अधिकार है, मैंने टिकट भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, मुझे अधिकार है कहीं घूमने का, वहां जाने का, जम्मू कश्मीर घूमने का, लेकिन अगर मुझे कोई नहीं जाने देगा तो ये मेरा राइट है कि भाई मुझे वहां क्यों नहीं जा सकता, टिकट है, वीजा है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे नहीं जाने देता है तो फिर वो मेरे राइट को वायलेट करता है. ठीक है बच्चों, समझ गए. तो इसकी डेफिनेशन, राइट्स आर रीजनेबल क्लेम ऑफ अ पर्सन
रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ। देखो तीन वर्ड इसमें है, रीजनेबल क्लेम, रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी और सैंक्शन बाय लॉ। ठीक है, राइट्स आर रीजनेबल क्लेम ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे टॉपिक हम देखते हैं, व्हाई डू वी नीड राइट इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में राइट की क्यों जरूरत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले सस्टेनेंस, सबसे पहला पॉइंट है सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन राइट। जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की जो डेमोक्रेसी का जो सस्टेनेंस है वो पूरी तरह से राइट पे डिपेंड है। कैसे? सबसे पहला राइट है इसमें राइट टू वोट, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से वोटिंग पे चलती है, इलेक्शन पे चलती है, और जब तक हमारे पास वोट देने का अधिकार नहीं होगा तब तक डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। दूसरा है राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू एक्सप्रेस, अगर हम अपने एक्सप्रेस को वो नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, शो नहीं कर सकते, हम जब तक ये हमारा राइट है कि हम अपने एक्सप्रेस को, अपनी फीलिंग्स को शो करें। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे तभी तो डेमोक्रेसी चलेगी। अच्छा, उसके बाद दूसरा है राइट प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फॉर द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी, यानी कि राइट्स जो है जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी यानी जहां पे बहुत सारे लोग हैं और एक ग्रुप के लोग हैं, और जहां पे माइनॉरिटी यानी बहुत सारे लोग मेजोरिटी में हैं और उसके खिलाफ थोड़े से लोग माइनॉरिटी में हैं, तो उनका भी वो उनके ऊपर कोई किसी तरह का अत्याचार नहीं होने देती है। जैसे कि जैसे छोटा सा एग्जांपल दूंगी, अब गुजराती लोग हैं, गुजराती लोग जो है उनकी मेजोरिटी कहाँ है, गुजरात में, लेकिन अगर हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली में वो माइनॉरिटी है, तो जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी के साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, या कोई कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। तीसरा है राइट प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो, राइट जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी सिटीजन को दिया गया है। कैसे? समटाइम इलेक्टिंग गवर्नमेंट में ऑल्सो अटैक द राइट ऑफ देयर ओन सिटीजन, एग्जाम्पल कोसोवो, अगर कोसोवो का एग्जाम्पल दे तो कोसोवो में लोगों ने वहां के लीडर्स को चुना था, लोगों के द्वारा चुना गया था, लेकिन फिर भी जो लोगों के अधिकार थे, लोगों के राइट थे, उसको वहां पे वायलेट किया गया था। तो जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जो अधिकार दिए जाते हैं वो अधिकार सिटीजन को गवर्नमेंट से भी बचाते हैं। सम राइट नीड टू बी प्लेस हायर देन गवर्नमेंट, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट से भी बड़े होते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारे ऊपर अनावश्यक कोई काम थोप दे, जबरदस्ती थोप दे, नहीं आपको ये करना ही करना है, तो हम उसके खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हैं। और तो बच्चों ये था आपका टॉपिक, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको अपनी बुक में से एक बार रीडिंग जरूर लगाना। अब हम ये तो मैंने आपको केस स्टडी बताई थोड़ी सी और थोड़े से राइट्स के बारे में बताया, अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में हमारे राइट्स क्या है, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या राइट्स दिए हैं। थैंक यू।